आज पूरा देश कोरोना के कहर के चपेट में है। कोरोना की दूसरी लहर भी जानलेवा साबित हो रही है, जिसमें लोग सहमे और डरे हुए हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में समाज में आज भी ऐसे कई युवा हैं जो कोरोना काल में समाज सेवा कर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है शहर के सहदेव गोसावी, जो कोरोना से पीड़ित मरीजों के साथ ही लाचार, गरीब व जरूरतमंदों के लिए सहारा बन गए हैं। सहदेव इस संकट के समय लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाना, जहां जरूरत हो वहां पर सैनिटाइज करना तथा गरीब व जरूरतमंद कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का नेक काम कर रहे हैं। सहदेव ने सामाजिक कार्यों की शुरुआत अकेले ही की, लेकिन समय के साथ कारवा बढ़ता गया और उनकी सेवा का दायरा भी पड़ता गया। सदैव कहते हैं कि हर व्यक्ति में लोगों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। वे न सिर्फ स्वयं लोगों की मदद करते हैं, बल्कि इसमें दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा उनके पिताजी से मिली। उन्होंने कहा कि वे कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, साथ ही अस्पताल में रह रहे लोगों के लिए खाने के साथ ही रहने व कपड़े की व्यवस्था भी करते हैं। देखो, रिजल्ट आए नहीं आए, कोई हम परीक्षा तो नहीं दे रहे। हमारा यही कहना है कि जो हमारे लोग हैं जो मर रहे हैं, वो लोग और ज़्यादा संक्रमित न हो और ये बीमारी जल्दी से जल्दी अपना देश छोड़ के चले जाए। इसलिए एक हमारा छोटा सा कदम ये पूरे आज हमने दो यानी कंटिन्यू हम निरंतर ये सेवा, गंगाबाई घाट हो गया, अपना मोक्षधाम घाट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मेडिकल हो गया और आज हम मेवो में हैं। तो हमारा यही मकसद है कि भाई ये जो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड उसमें नीम वगैरह मिला के फिटकरी मिला के जो हम ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं, इससे कोरोना का जो संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए और अपने देशवासी सुरक्षित रहना चाहिए। BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।